हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। तो बेटा, आज का ये जो दिन है हमारे लिए बेहद दर्द भरा है, दुख भरा है। जी हाँ, दुख भरा है। क्यों दुख भरा है? क्योंकि आज हमारा एक पार्टनर हमें छोड़ के चला जाएगा, वो रिटायर हो रहा है। देखो बेटा, इतने दिनों से हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। दो या तीन पार्टनर हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं और बाद में उनकी फैमिली बड़ी हो जाती है, एक और पार्टनर आ जाता है। कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्टोरी बना बना क्वेश्चंस को कर करके देखा कि पार्टनर्स हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से उनको प्रॉफिट हो रहा है, खुशी का माहौल है। लेकिन सदा खुशी नहीं रहती है, गम भी जिंदगी में होना जरूरी है। तो बेटा ये क्या है, आज हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए गमगीन थोड़ा सा माहौल है। जैसे कि कल और परसों हमारे दो फिल्मी सितारे हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। जैसे कि इरफान खान जी थे 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को ऋषि कपूर जी, सुबह सुबह वो उनका संदेश आ गया, तो बड़ा दुख का माहौल है। तो जो बच्चे 70s में जिनका बर्थ हुआ, 80s में जिनका बर्थ हुआ, 90 में जिनका बर्थ हुआ, उन बच्चों ने इन हीरोज की बहुत ज़्यादा फिल्में देखी होंगी, तो उनकी तो ज़्यादा ही कुछ अटैचमेंट है। आज के जो बच्चे हैं इन्होंने उनकी पुरानी मूवीज कम देखी हुई है, तो इसीलिए। लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, ये चलता ही रहता है। तो चलिए बात करते हैं पार्टनर की। अगर पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा? देखिए बेटा, अगर पार्टनर बिजनेस से जाएगा तो भेजना तो अपने को पड़ेगा ही। अगर उसकी इच्छा है कि मैंने जाना है, और पार्टनर सभी क्या है, एग्री हैं, और या फिर क्या हो सकता है, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 32 है, उसका सबसेक्शन 1 है, उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से लिखा है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, किन सिचुएशन के अंदर हो सकता है। या तो सारे के सारे पार्टनर अग्री होने चाहिए, या तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा होना चाहिए कि कितने समय के बाद जाएगा या जा सकता है, या जो भी उसके अंदर लिखा गया है, और ये सब बातें उसके अंदर रहती हैं। तो चलिए, पार्टनर है वो अब जा रहा है, जाएगा तो अपने को क्या करना है, उसको इज्जत सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ फेयरवेल देके उसको भेजेंगे। बेटा बोले तो उसका जितना भी कहने का मतलब है हिसाब किताब बनता है बिजनेस के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब किताब करेंगे और फिर उसको हम अलविदा बोल देंगे। ठीक है, हिसाब किताब कौन सा बनता है? तो उसके बिजनेस के अंदर बहुत से राइट्स हैं, क्योंकि बेटा जब वो बिजनेस के अंदर आया था तो कुछ उम्मीदें लेकर बिजनेस में आया था, और जैसा कि हम लोगों ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर पढ़ा था, तब बहुत सी चीजें हुई थी। उसने कहा था कि हम बिजनेस को इस प्रकार से चलाएंगे, इस प्रकार से चलाएंगे, आप रिवैल्यूएशन कीजिए, आप मेरे से गुडविल का भी शेयर ले लीजिए। हुई था ना ये बातें? बिल्कुल हुई थी। तो आज अगर ये पार्टनर जा रहा है, उस समय भी सारी की सारी वो चीजें अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखिए, ये जो आज का चैप्टर है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है या कब नहीं है? अगर आपने आज तक की हमारी जितनी भी वीडियोस पिछले 3 चैप्टर की बन चुकी हैं, वो प्रॉपर तरीके से देखी हुई हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेटा आज तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में अपने पढ़ा हुआ है ना, तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हमने पढ़ा था, अगर पार्टनर के अंदर एडमिशन पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन हो रहा है एक पार्टनर का, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करेंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, एंड ये सब, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वो सब करेंगे, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट इस चैप्टर के अंदर होने वाले हैं। फर्क कितना है? फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे जो जर्नल एंट्रीज हो रही थी वो हो रही थी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, लेकिन यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होंगी उससे उल्टा होंगी, बोले तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की होगी। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो इस समय में क्या क्या होगा, क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, जितनी भी इसकी सीरीज में वीडियोस हमारी बनने वाली हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, एंड तक वीडियो को देखना, सब क्लियर होने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं, अगर एक पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो रहा है तो उसके कौन कौन से राइट्स हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले रिटायर क्यों हो रहा है? हो सकता है वो अनहेल्दी फील कर रहा हो सकता है उसकी ओल्ड एज हो गई हो सकता है एक पार्टनर देश को छोड़कर विदेश में जा रहा हो सकता है एक पार्टनर अपने आप को इनसफिशियंट या इनएफिशियंट फील करने लग गया हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिजनेस में काम नहीं करूंगा,
उसको फील हो रहा है इन फ्यूचर मेरे को इस बिजनेस में लॉस हो सकता है, वो जा सकता है, सेंटिमेंट जागे अंदर से, सेंटिमेंटल बोले तो उसको लग रहा है कि यार मेरे साथ इस बिजनेस में पक्षपात हो रहा है, भावनाएं अंदर से जा गई कि नहीं मैं अब नहीं रहूंगा बिजनेस में, अंदर से ठेस पहुंच गई है, तो भी वो बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अगर एक बिजनेस में से पार्टनर जा रहा है तो उसके कौन कौन से राइट हैं, बोले तो उसको क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले उसको मिलना चाहिए टू गेट शेयर इन गुडविल। देखो उस पार्टनर ने जब वो बिजनेस में, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर शुरू से आया चाहे वो बाद में आया पार्टनर बिजनेस के अंदर, तो उसकी वजह से, उसकी मेहनत करने की वजह से बिजनेस की गुडविल बनी है ना, ये अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं भाई गुडविल तो सिर्फ मेरी वजह से बनी है, तेरी वजह से नहीं बनी, यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं है, हमारा पार्टनरशिप है, हमारा सब का सब यहाँ पे साझा काम यहाँ पे चल रहा है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसी भी पार्टनर का है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेयर गुडविल में भी रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए तो उसको जितना भी गुडविल का शेयर बनेगा वो उसको देना पड़ेगा। चलिए आगे क्या है, टू गेट शेयर इन रिजर्व्स, जितने भी हमारे बिजनेस के रिजर्व्स हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनके अंदर भी उसका शेयर बनता है ना, वो भी उसको देना पड़ेगा, जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट्स में से निकाल कर साइड में, इन फ्यूचर की हमारी जो अनिश्चितताएं होती हैं, अनसर्टेनिटीज है, उनके लिए हमने प्रॉफिट्स को बचा के रखा है, उनके लिए वो प्रॉफिट भी अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टू गेट शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, और उस रिवैल्यूएशन के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है वो उसको दिया जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो उसे लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बिजनेस के अंदर अगर बेटा लॉसेस भी हो रहे हैं तो वो भी उससे लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये तो था उसके राइट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में यहाँ पे आने वाली हैं जो करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले गेनिंग रेशो, देखिए बेटा जैसे कि हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन के अंदर क्या था, हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया था एंड सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट किया था। सैक्रिफाइसिंग क्यों किया था, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर नए पार्टनर के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, अगर एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, देयर आर थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर हैं और ये बंदे जेड बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो क्या होने वाला है बेटा, जितना भी जेड का शेयर है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई बोथ। किस रेशो में सर बांटा जाएगा ये डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है, हो सकता है इनकी जो ओल्ड, जैसे मान लीजिए 3:2:1 ये इनकी रेशो है, बोले तो 1/6 हो गया ना, 1/6 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, x एंड y में किया जाएगा, एंड x एंड y में किस रेशो में किया जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशो। देखो बेटा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस रेशो में गेन कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टिंग रेशो के अंदर कर रहे हैं, न्यू रेशो बता देगा या तो, ठीक है क्वेश्चन में बोलेगा, उसी तरीके से अपने को करना है, उस चीज की आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, और गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोथ द पार्टनर्स, वो भी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था गुडविल का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सेम उसी तरीके से यहाँ इस जगह पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो एडमिशन के अंदर हम लोगों ने किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया था बेटा गुडविल का, हमने ऐसे किया था कि जो पार्टनर जैसे एक्स है वाई है एंड जेड बिजनेस में अगर आ रहा है, जेड के आने की वजह से अब जेड क्या है, पहले वाली गुडविल को क्या करेगा, इंजॉय करने वाला है ना, क्या करेगा, इंजॉय करने वाला है, तो जेड अपने शेयर गुडविल का लेके आएगा और वो इन दोनों को दे देगा। अब क्या होगा, अगर बिजनेस में से जेड जा रहा है तो जेड का जितना भी हिस्सा बनता है तो वो ये दोनों बंदे एक्स एंड वाई वो इसको देने वाले हैं। किस रेशो में देने वाले हैं, बिल्कुल सही, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते थे अब गेनिंग रेशो में करेंगे। ठीक है बेटा, फर्क इतना ही। चलिए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहां भी हम चैप्टर के अंदर रिवैल्यूएशन बनाएंगे,
एंड उनका क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों भी ओल्ड पार्टनर्स भी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जी हाँ, देखिए एडमिशन के समय में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जेड नया है, उसकी वजह से तो कुछ रिवैल्यूएशन का उसके ऊपर असर नहीं है ना। अभी क्या है, अब ये तीनों के तीनों ओल्ड पार्टनर हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से होगा ये कि ये ओल्ड पार्टनर हैं तो जितना भी रिवैल्यूएशन के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो इन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। बेटा देखिए, हम रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कहाँ से बनाते हैं? हमारे पिछले सालों के प्रॉफिट्स में से बने होते हैं, ठीक है। हमारे फ्यूचर की जितनी भी अनसर्टेनिटीज होती हैं उनके लिए हम लोगों ने रिजर्व निकाल के रखे हुए हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोविजन बना लिया हम लोगों ने। प्रोविजन बोले तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके रख लेना। पिछले सालों से हम धीरे धीरे इकट्ठा करते रख रहे हैं, एक्यूमुलेट उसको कर रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो जैसे कि प्रोविजन बना हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स पे बना हुआ है, या किसी भी चीज के लिए फंड वगैरह हमने बनाया हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल शेयरिंग रेशियो, ये सारी की सारी वही ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर करी हुई हैं। समझाए ना बेटा, जैसे लास्ट हमारी वीडियो बनी थी कैपिटल एडजस्टमेंट की, सेम वही ये ट्रीटमेंट इसके अंदर भी होने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, सॉरी अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। किस प्रोपोर्शन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट करने वाले हैं। देखिए बेटा, ये जितना भी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे चैप्टर में बोले तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ न्यू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर सिर्फ यही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी सबसे हम पहले पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे एंड गेनिंग रेशियो को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, रिजर्व्स है, ये सब वन बाय वन हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, और जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे हम वो भी करके देखेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कॉमर्स के बच्चों के साथ, और ये रेड कलर के अंदर लिखा है ना सब्सक्राइब, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों दबाना है आपने इसको, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए आपने इसको दबाना है बेटा, ठीक है। चलिए, और अब होगा क्या, हम इसके बारे में भी एक इसको करके देखते हैं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए बेटा, जब बिजनेस में से एक पार्टनर जब छोड़ के जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेनली फोर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस बन सकती हैं, सिचुएशंस बन सकती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने लिखा, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। देखिए, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, देयर आर थ्री पार्टनर्स एंड उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:1। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में बोला कि जेड बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, What will be the new profit sharing ratio? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं हमें करना, ये वाला 1/6 है ना, ये इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में होगा? वो भी सेम 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनने वाली है वो भी सेम बनने वाली है 3:2, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोले वाई बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, न्यू 3:1, ठीक है। अगर बोला कि एक्स बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो क्या बनेगा, 2:1। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अपने को कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगली एक सिचुएशन ले रहा हूं, डिवाइडेड इक्वली। मान लीजिए देयर आर थ्री पार्टनर्स इन बिजनेस एक्स वाई जेड, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप ले लीजिए। बिजनेस में से जेड अपने छोड़ के जा रहा है, सर जेड को क्यों आप बार बार कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आसान है बेटा, मेरे भी मुंह चढ़ गए। जेड बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो अब बोल क्या रहा है, एक्स और वाई इसके शेयर को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसका टोटल शेयर कितना है, 1/6 है, तो हम लिखेंगे गेन। क्या लिखेंगे, गेन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वली ही लेने वाली है, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर यहाँ पे चार पार्टनर हैं,
तीन पार्टनर रह गए हैं, एक छोड़ के जा रहा है, वो बंदे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वो तीन पार्टनर हैं, तीन भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, 1/2 ऑफ 1/6, तो कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/12, 1/12, 1/12 के दो पार्ट बन गए, ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो कैसा होगा, इसमें भी बेटा सेम ही हो रहा है ना, नहीं सेम नहीं होगा, चलो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का कितना आ जाएगा ओल्ड 3/, कितना है पहले का 3/6 है ना, 3/6 प्लस 1/12, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 12, 2/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/12, y का न्यू शेयर कितना होने वाला है 2/6 प्लस में 1/12 इज इक्वल टू आपका सर ये हो गया है जी 12 एंड सॉरी हाँ सही है जी, ठीक है 2/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। अभी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 आ चुकी है। अगला है इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, देखिए बेटा इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का मतलब है मान लीजिए x है, y है, z है, तीन पार्टनर है, 3:1 की रेशियो हमने ले ली है, इसका शेयर कितना है, z बिजनेस को छोड़ के जा रहा है एज यूजुअल। अभी देखिए क्या होने वाला है, उन्होंने बोला कि x और y z के शेयर को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोग जो मानना है वो मान लीजिए 5/4, 3/2, 3/2 तो सेम ही हो जाएगा, 4/2, 4:2 या फिर मान लीजिए 1:2 के अंदर अगर वो कर रहे हैं, मान लीजिए 1:2 में कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गेन इनका कितना होगा, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है एक्सिस गेन कितना है, अब ये 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे बोले तो 1/3 ऑफ किसका 1/6, x को z का कौन सा पार्ट मिलने वाला है 1/3 और इसको कितना मिलने वाला है 2/3 मिलने वाला है, तो 1/3 कितना आ जाएगा बेटा 1/18, चलिए एंड अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सिस न्यू रेशियो न्यू शेयर, एक्सिस न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड कितना है 3/6 प्लस में 1/18, कितना आ जाएगा 18 एंड इधर 3, 3, 3, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/18, ये इसका न्यू शेयर है। अभी देखिए y is, हम लिखेंगे y is gain, y का gain कितना है बेटा 2/3 ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 2/18, ओके अब क्या लिखेंगे y is न्यू शेयर, इसका न्यू शेयर कितना आ जाएगा, पहले कितना है 2/6 प्लस 2/18 इज इक्वल टू इधर कितना आ गया जी 18 3/6 प्लस 2 तो इसका कितना आ गया 8/18, तो अभी क्या आएंगे 10:8 तो डिवाइड करने के बाद 5:4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब बोला है एंटायर पार्ट टेकन बाय वन पार्टनर, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड हैं, 3:1 की इनकी नई रेशो है, जेड बिजनेस में जा रहा है, इसका जितना भी शेयर है 1/6 है, ये अकेला ले रहा है, या तो एक्स ले रहा है या तो वाई ले रहा है, अपने मान लेते हैं एक्स के पास तो पहले ज्यादा पैसे करते हैं, सारे का सारा वाई को दे देते हैं, तो क्या करेंगे क्या लिखेंगे न्यू रेशो, शेयर ये न्यू शेयर ऑफ y, सीधा y का लिखो पहले क्योंकि x का तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है बेटा, इसका तो 3/6 ही है, इसका लिखने मरने वाला है 2/6 था, तो 2/6 प्लस में 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो ये सीधा का सीधा आ गया 2+1 इज इक्वल टू 3/6 आ गया, इसका 3/6 है, इसका 3/6 है, न्यू रेशियो क्या हो गई 3/6, 3/6 तो कितना हो गया बेटा इक्वल बोले तो 1:1 इनकी बनने वाली है, और अगर यही पार्ट सारे का सारा ये ले लेगा तो इसकी न्यू निकाल लीजिए 3/6 प्लस में 1/6 इज इक्वल टू 4/6 और उसका कितना 2/6 है तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी 4:2 बोले तो 2:1, कोई मुश्किल है क्या, नहीं ना,
तो बेटा ये बेहद आसान है टॉपिक है, लेकिन आसान कब बनेंगे, अगर आप इनको प्रैक्टिकल जो इसके क्वेश्चंस हैं अनसॉल्वड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग घर पे करके देखो। इट डजंट मैटर आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, ठीक है बेटा। आपको अगर प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो 9050508 06442 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर मेरे को इस टॉपिक में डाउट है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन हाँ आपने अपना प्रॉपर एड्रेस जरूर बता देना है तो मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बच्चा कहाँ से है। मेरे को भी खुशी होगी ना, इतने दूर दूर से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी भी बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की जरूर कोशिश करता हूँ बेटा, क्योंकि टीचर एक दीपक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये वास्तव में होता है। तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को क्या है इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। बस आप लोगों ने शेयर करना है एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू।